इस मॉड्यूल में हम सब फाइलम हेक्सोपोर्ड्स के अंदर इंसेक्ट्स के नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे इंसेक्ट्स का नर्वस सिस्टम जो है उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे हमने एनिलिड्स और बाकी आर्थ्रोपोर्स को डिस्कस किया था इसके अंदर गेंगलियन है गेंगलियन आर नथिंग बट द थेंड नर्व मास और गेंगलियनस जो हैं डिफरेंट बॉडी रीजन्स पर मौजूद हैं अब ये सुपरा इसोफेगियल गेंग्लियन जो कि इसोफेगस से अबव है दिस इज नॉर्मली एसोसिएटेड विद द सेंसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द हेड इसके साथ जो हैं दो गेंगलियन्स को जो आपस में कनेक्शन होंगे उसको हम कहेंगे कनेक्टिव और जो डिफरेंट गेंग्लियन्स को प्रोवाइड जो डिफरेंट गेंग्लियन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे उनको हम कहेंगे कनेक्टिव और जो सिमिलर गेंगलियॉन्स को कनेक्ट करेंगे उनको हम कहेंगे कॉमिश्योर्स अब एक गेंगलियन अबव द ईसोफेगस है उसको हम कहेंगे सुप्राफेरेंजियल गेंगलियॉन और दूसरा गेंग्लियन जो है दैट इज बिलो द ईसोफेगस उसको हम कहेंगे सब ईसोफेजियल गेंगलियन तो सुप्रा ईसोफेजियल गेंग्लियन और सब इसोफेजियल गेंगलियन दे आर यूजुअली कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिवस ये कुनेक्टिव जो हैं दे आल्सो इनर द माउथ पार्ट्स लेवरी ग्लैंड एंड नॉर्मली दे हैव अ एक्साइटरी इन्फ्लुएंस

हार्ट थ्रू दिस वी कैन गिव अस एन एलेबोरेटिव अलस्ट्रेशन थ्रू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज्ड इंसेक्ट हेयर यू कैन से सुपरा फे एसोफेजियल गेंगलियॉन सुपरा एसोफेजियल गेंगलियॉन इसके साथ साथ ये जो है दिस इज नॉर्मली द कोनेक्टिव and this connective is running to the body similarly at the thoracic region abdominal region there may be thickened nerve mass or ganglions this is the nerve cord it is sensory in nature so, and it is spreading throughout the body so that these ganglions and these nerve cords they are usually part of the nervous system of insects and these are similar in all insects.